हम डेसिमल नंबर दशमलव संख्या के ई परीक्षा गाइड बुक के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी जर्नी हमने 95 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर ली थी। और आज हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 96 से, प्रश्न संख्या 96 से। और हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से धीरे धीरे उसके ऊपर जो भी मेथड्स हैं, ऑप्शन से किस तरह से करेंगे और विदाउट ऑप्शन कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट को हम समझते हुए चल रहे हैं। तो आप भी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे ध्यान से देखिएगा क्लास को, उसके बाद में जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको वापस से रिवाइज कीजिएगा। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, इसका मीन्स कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करते किसी भी पॉइंट का या किसी भी बात का, तब तक वो आपको अच्छे से याद नहीं होती और परमानेंट याद नहीं होती। वो क्या होगी, कुछ समय के लिए आपको याद होगी, फिर आप उसको भूल जाओगे, लेकिन हमेशा के लिए याद करने के लिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिवीजन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस पहले से सोल्व करके आओ। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से पहले से सोल्व करके आओगे तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रहेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा था, हमने इसके ऊपर थोड़ी कोशिश की थी, तो हमें पता है, और बना नहीं बना वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपको मेथड्स और अच्छे से याद, एग्जाम में आपको बेनिफिट देंगे। और साथ में जो हम यहाँ पढ़ाए उसको तो याद रखना ही रखना है, इसके बाद में भूलना नहीं है, और भूल जाओ तो वापस से कोशिश करो, बार बार सोल्व करो, क्लासेज को फिर से देखो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विच इज ट्रू स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बस यही बताना कि कौन सा कथन सत्य है। देखो सर, पहला लिखा हुआ है 2.303, 2.3303, सर क्या ये ग्रेटर है? नहीं सर, ये तो इक्वल आएगा, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ लिखा हुआ है 678, 6.2, सर विच इज ग्रेटर, सर ये तो गलत है, साइन ऐसा आना चाहिए था, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। 1.123.123, 223, नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ भी ये वाला साइन आएगा, नहीं। 14.045, 14.046, सर ये सही बात है, एकदम सही है ना, 045, 046, विच इज ग्रेटर, सर 046, कौन सा बड़ा है, 046 वाला, तो सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, कथन सत्य है। एग्जाम में कई बार क्या होता है, यहाँ लिखा होता है विच इज नॉट ट्रू, हो सकता है कथन असत्य है, जो सत्य नहीं है, ऐसा भी लिखा सकता है। फिर क्या होगा कि 3 स्टेटमेंट तो आपको राइट होंगे और 1 स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, 1 कथन गलत होगा, 3 कथन सत्य होगा, वहां ध्यान रखिएगा। नोट वाले में क्या करते हैं, पहला ऑप्शन आपका सत्य दिखाई देता है तो हम उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन वहां नहीं लिखा आता है, आप जैसे पेपर्स में देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 97, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान बताना है। सर कितना इजी क्वेश्चन है, नीचे 00 है, आपको पता है कि डिवाइड में अगर 00 हो तो क्या होता है सर, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाता है, दैट मींस 0.04 लिखा जाएगा इसके 2 डिजिट। अब तो आपको देखते याद होना चाहिए, इतने क्वेश्चन हम कर लिए, 100 तक की जर्नी को कंप्लीट करने जा रहे हैं, सेंचुरी लगाने वाले हैं। 0 आएगा तो क्या होगा सर, 1 डिजिट छोड़कर, तो यहाँ पर 0.5 आएगा, प्लस ये कितना रहेगा सर, 6, खुद ही प्लस करके देख लो सर, 6.00 हो सकता है, यहाँ पर 0.04 रहेगा, ये 0.5 रहेगा, और इसके 0 लगा दो तो 4, 5 and 6, तो 6.54, 6.54 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, 6.54 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0.008 एंड वन नंबर इज 1/5 ऑफ सेकंड नंबर, वन नंबर इज 1/5 ऑफ सेकंड नंबर, देन द स्मॉलर नंबर इज, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है सर, 0.008, एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। सम के लिए हमने योग के लिए किया था, हमने किसके लिए किया था सर, योग के लिए किया था, ये उसी का जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर योग की जगह आपको गुणनफल दे दिया है, आपको सम की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ सर, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो पहले तो हम लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर फर्स्ट और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई या गुणनफल वो कितना है सर आपके पास में, 0.008, पहला पॉइंट तो ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड दो आपके पास में नंबर है, ठीक है, ये कह रहा है कि वन नंबर इज 1/5 ऑफ सेकंड नंबर, एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है, किसकी है, दूसरी संख्या की, तो हम ऐसा करते हैं कि सेकंड नंबर को सब्ज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है सर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे डिपेंड कर रही है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या पे निर्भर है, वन नंबर इज 1/5 ऑफ सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर अगर आपका अक्स रहेगा तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा, अक्स काया ऑफ मल्टीप्लाई 1/5, तो ये कितना जाएगा, अक्स अपॉन 5, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई ये कितना रहेगा सर, अक्स, और ये कितना आ जाएगा सर, 0.008 आ जाएगा आपके पास में, 0.008 आ जाएगा। अब सर आपको पता है कि ये अक्ष और अक्ष आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे सर, अक्ष स्क्वायर बना देंगे, और ये जो 5 इसकी फैमिली का नहीं है तो डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 0.008 एंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8, 5 जो आपके पास में कितना होता है सर, 40, 3 डिजिट्स के ऊपर आपका पॉइंट है, तो यहाँ से 2 डिजिट तो आपको मिल गया, 3 डिजिट यहाँ मिलेगा, और ये कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ और 0 यहाँ पर आ जाएगा।
अब आपको, अब खुद देखिए सर, यहाँ आपके पास में वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.004, वो आप जीरो छोड़ सकते हो लास्ट वाला, है ना, ये वाला जीरो आप हटा सकते हो, 0.04, सॉरी 0.04 है, वो जो पीछे जीरो लिखा हुआ उससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि वो आपके पॉइंट के लास्ट में यहाँ पर जीरो लिखा हुआ, तो इसे आप हटा सकते हो, तो 0.04। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर, उस तरफ स्क्वायर है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा सर, इधर बनेगा सर अंडरूट, और आपको कुछ दिखाई दिया कि सर अंडरूट जो होता है वो 4 होता है, वो आपका 2 का अंडरूट होता है, 4 किसका होता है, 2 का अंडरूट। और मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में भी आपको ये बताया था कि जब भी मान लीजिए कि पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट हो, पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट हो, तो अंडरूट हटने पर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट रहता है, अंडरूट हटने पर पॉइंट के बाद में कितना रहता है, 1 डिजिट रहता है। तो अब आप खुद बता दीजिए कि सर यहां से, और अगर आप इसको बताओ क्यों रहता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूं ना, इसको थोड़ा और ओपन करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मुझे इसके पॉइंट हटाने, अंडरूट में है ना, पॉइंट हटाने, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4/100 लिखूंगा, अरे 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 4/100, और ये किस में रहेगा सर, अंडरूट में। अब आप खुद बताइए कि सर अंडरूट 4 कितना होता है, देखो जब भी आपके पास है मान लीजिए कि इस टाइप की कोई इक्वेशन हो, अंडरूट ए और अंडरूट बी, तो इसका मीन्स होता है कि अंडरूट ए अपॉन अंडरूट बी, यानी कि दोनों का अलग अलग अंडरूट हो जाएगा, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग अंडरूट होगा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 4 का अंडरूट करूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा सर, 2, और 100 किसका अंडरूट होता है सर, 10 का, क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है, तो 100 का अंडरूट कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि जब इसमें वापस से अगर आप पॉइंट लगाओगे 10 का, तो कितना बनेगा सर, 0.2। इसलिए हम जब भी आपके पास में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स रहते हैं, तो आपको पता है कि जब भी 2 डिजिट रहेंगे तो 100 आएगा डिवाइड में, और 100 का वापस से कितना बन जाएगा, 10, तो वापस से पॉइंट जब अंडरूट हट जाएगा तो पॉइंट कितने डिजिट्स पे रहेगा सर, 1 डिजिट पे। ये रीजन होता है कि अंडरूट में पॉइंट के राइट साइड में अगर 2 डिजिट्स होने पर जब आप अंडरूट हटा देते हो उसका, तो पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट क्यों रहता है, इसके पीछे ये रीजन होता है, ध्यान रखिएगा आज के बाद में। अगर आपसे कोई ये आपको मान लीजिए लिखना हो और आपने लिखा, जैसे मान लीजिए आपने 0.04 को 0.2 लिखा, और आपसे कोई ये कह दे कि ये बताओ कि इसके बाद में पॉइंट के बाद में 1 डिजिट क्यों रहता है, उसका रीजन ये है कि जब आप पॉइंट के अंदर अगर 2 डिजिट है, दैट मींस यहाँ कितना रहेगा डिनोमिनेटर में सर, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, क्योंकि 2 डिजिट है, जब 100 रहेगा तो 100 का अंडरूट कितना होता है सर, 10, तो जब पॉइंट अंडरूट हट जाएगा, जब अंडरूट को ओपन कर लेंगे, तो आपके पास में पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स रहेंगे सर, 1 डिजिट रहेंगे, इसके पीछे ये रीजन होता है, आप सीधा याद रख सकते हो। जैसे कल भी हमारे पास में एक आया था ना, 1.96 आया था पीछे के कुछ क्वेश्चंस में, हमने उसका कितना लिखा था, 1.4 लिखा था, उसके पीछे भी यही रीजन था, क्योंकि 196 किसका होता है, 14 का, और 2 डिजिट से कितना बन जाता है, 1 डिजिट बन जाता है। तो यहां पर हमारे पास में अक्स की वैल्यू कितनी आई सर, 0.2। यहां पर आपके पास में अक्स की वैल्यू कितनी आई है सर, 0.2। अब हमें ये नहीं बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो हम दोनों नंबर यहां से फाइंड आउट करते हैं। देखिए सर, आपका फर्स्ट नंबर कितना था, फर्स्ट नंबर था सर आपका अक्स अपॉन 5, एंड सेकंड नंबर आपका कितना था सर, अक्स। हमें ये तो पता चल गया कि सर अक्स की वैल्यू कितनी है सर, 0.2, लेकिन इसकी फर्स्ट की कितनी है सर, 0.2/5। अब आप खुद देखिए सर, अभी इसमें 5 का डिवाइड और करना है, तो मुझे आप खुद बता सकते हो कि सर ये वाला आपका स्मॉलर रहेगा। चलो 5 का डिवाइड करते हैं, 0.2 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0. यहां से 2 आएगा। अब आप बताइए कि जब मैंने 2 ले लिया, लेकिन क्या 5 का डिवाइड होगा 2 में, नहीं सर। तो अब जब 5 का डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट से उसका क्या बनाओ सर, 20 बनाओ, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर 0 आएगा, और उसके बाद में कितना बनेगा सर, 4, क्योंकि जब आपने 2 लिया लेकिन 2 में तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ से कितना बनेगा सर, 4, तो ये आएगा 0.04, क्योंकि 20 का कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, तो ये कितना बनेगा सर, 0.04, और आपका स्मॉलर नंबर कितना है, 0.04। अब खुद देख लो सर, एक तो आपके पास में 0.04, एक आपके पास में 0.2, तो विच इज स्मॉलर सर, फर्स्ट इज स्मॉलर, पहली संख्या आपकी छोटी रहेगी, दूसरी संख्या आपकी बड़ी रहेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, 0.04। डिवाइड ध्यान से देख लीजिए, यहां पर जब आपने इसको 2 को आपने लिया, सबसे पहले किसको लिया आपने, 0 को, 0 से पॉइंट चला गया, 0 में डिवाइड हुआ नहीं। अब जब 2 को आपने पहली बार लिया लेकिन 2 में डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, पेनल्टी तो देनी होगी ना हमें, जब पेनल्टी दी तो उसके बाद में हमें फिर कितना मिला सर, इससे पॉइंट से 0 मिला, और हमें कितना मिला सर, 0.04, 0.04 इसका क्या रहेगा सर, आपका राइट आंसर है रहेगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.04 आपकी स्मॉलर नंबर है, और बड़ी संख्या कितनी है, ग्रेटर नंबर आपकी 0.2 आपकी ग्रेटर नंबर है। वैसे क्वेश्चंस इजी था, थोड़ा सा आपको समझाना था कि ये पॉइंट क्यों आता है, तो मैंने आपको बताया, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था कि सेकंड नंबर आपका अगर अक्स अज्यूम करते हो, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर डिपेंड करता है सेकंड नंबर पे, उसका 1/5 पे, दैट इज अक्स अपॉन 5 पे, दोनों को हमने जब अज्यूम किया तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू है 0.04, स्क्वायर हटेगा तो 0.2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और जब फर्स्ट की निकालेंगे तो 5 का डिवाइड कर देंगे तो 0.04 आपकी फर्स्ट की आ जाएगी।
ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टू डिजिट से वन डिजिट क्यों बनता है, क्योंकि 100 आता है, 100 का 10 बन जाता है, इसलिए वन डिजिट आ जाती है। आप इसको चाहो तो सीधा याद कर सकते हो कि सर टू डिजिट रहेंगे अगर पॉइंट के राइट साइड में, तो जैसे अंडर रूट को ओपन करेंगे तो वन डिजिट वहां पर आ जाएगी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैंने टाइम दिया क्योंकि यहाँ आपको कुछ सीखने को मिला नया, तो मुझे जरूरी था कि आपको मैं ये थोड़ा सा ओपन करके सिखाऊं, तो आपके माइंड में ध्यान रहिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 99, प्रश्न संख्या 99 को देखिए क्या लिखा हुआ है। मयूर हेड 30 कॉइन्स, मयूर हेड 30 कॉइन्स और 50 पैसे, मयूर हेड 30 कॉइन्स और 50 पैसे इन हिज पर्स। इफ ही क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, इफ ही स्पेंट 5.50, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह शायद रुपीज था ना, इफ ही स्पेंट 5.50 देन हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, यहाँ पर रुपीज था ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह रुपीज 5.50 देन हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। मयूर के पर्स में 50 पैसे के 30 सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे सर, 30 सिक्के थे, ओके नो डाउट। उसके बाद में यदि उसने रुपए 5.50 खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है सर, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 50 पैसे जो होते हैं मेरे पास में, जो 50 पैसे होते हैं उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूँ 0.50 रुपीज, अरे ये नहीं लिख सके, लिख सकता क्या 0.50 रुपीज, क्योंकि आपको पता है कि रुपीज तो ही नहीं इसमें, रुपीज तो जीरो है, ओनली 50 पैसे। और आपको सबको पता है कि रुपीज और पैसे किसे लिखे जाते हैं, ऐसे तो लिखे जाते हैं पॉइंट यहाँ पर पैसे, और 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, दैट मीन्स 2 डिजिट यहाँ रहेगी और बाकी सभी डिजिट इधर रहेगी, तो ये आएगा इस तरह से। तो 0.50 रुपीज पैसे होते हैं, और वैसे भी आप देख सकते हो कि 50 पैसे और 50 पैसे, दो 50 पैसे 50 पैसे मिलकर कितना बनाते हैं सर, 1 रुपये बनाते हैं, कितना बनाते हैं 1 रुपये। तो 30 अगर आपके पास में टोटल कॉइन्स है, 30 सिक्के हैं, तो कितने रुपीज हो गए सर 15, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। और यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लीजिए कि मान लीजिए 30 कॉइन्स है मेरे पास और 1 कॉइन की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.50 रुपी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 3 15 और 00 साथ में रहेंगे क्योंकि दोनों के साथ में 2 जीरो है ना, इसको तो आप छोड़ सकते हो। अब 2 डिजिट के ऊपर पॉइंट है तो यहाँ से 2 डिजिट पे पॉइंट छोड़ेंगे, तो ये 15 रुपीज कितना आ गया सर 15 रुपीज, यानी उसके पास में 15 रुपए है टोटल, ठीक है। उसने स्पेंड कितना कर दिया, उसने खर्च कितना कर दिया सर 5.50 रुपीज, उसने क्या कर दिया सर स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसके पास में रिमेनिंग कितनी है, शेष धनराशि कितनी बची हुई है सर, उसके पास में टोटल 15.00 रुपीज थे, उसमें से उसने 5.50 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए, तो यहाँ से 4 बनेगा, ये 10, ये 9 और ये 10, तो ये कितना है, सॉरी ये तो 0 है, ये आपके पास में 10 बनाओ, एक मिनट, यहाँ तो 0 था ना, ये तो ठीक है, ये आपका 0 बनेगा, ये 10 - 5 तो 5, और ये कितना आ जाएगा 14, अगर आप करते हो तो इसे आप 0 करोगे और ये आपका 14 हो जाएगा, 14 माइनस, जब भी आप 5 करते हो तो आपके पास में कितना आता है 5 और 4 9, तो यहाँ पर 9.50, 9.50 जिसे आप 9.5 भी कर सकते हो, 9.50 को, तो 9.5 रुपीज, 9.5 या 9.50 रुपए या 9.50 रुपीज आपके पास में रिमेनिंग रहेंगे, शेष आपके पास में रहेंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि 30 कॉइन्स टोटल है और 50 पैसे एक कॉइन की वैल्यू है, दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी आपकी 15 रुपीज, और उसमें से 5.50 रुपीज आपने स्पेंड कर दिए, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 9.50 रुपीज आपके पास में रिमेनिंग रह जाएंगे, 9.50 आपके पास में शेष रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 100, प्रश्न संख्या 100 की ओर बढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है सर, और इसी के साथ में हमारी सेंचुरी लग जाएगी, लेकिन इसके बाद में भी हमारे पास में 54 क्वेश्चन अभी और रिमेनिंग रहेंगे, उनको भी करेंगे। इसकी वैल्यू बतानी सर, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं ना, तो अब आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये कोई नया सा क्वेश्चन है सर, पॉइंट हटा दो, कुछ नहीं करना, 1001 लिखिए और यहाँ भी 1001 लिखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में कितने आ जाएंगे 30, सॉरी, और डिनोमिनेटर में कितने 2 डिजिट, तो न्यूमरेटर में कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, प्लस यहाँ भी 1001 है और डिवाइड में कितना 1001, पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, दैट मींस न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई में रहेगा, 1001 से 1001 डिवाइड हो जाएंगे, 20 से 20 डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ कितना रहेगा 1/10 प्लस 1001 से 1001 डिवाइड हो गया और अपॉन में कितना रहा 10/1। आप इसे कह सकते हो कि सर ये तो कितना बनेगा 0.1 और ये कितना बनेगा 10, तो राइट आंसर कितना रहेगा सर 10.1, 10.1 आपका क्या रहेगा सर, सही उत्तर रहेगा 10.1 सर। ये भी कह सकते हो, देखो ये तो 1.10 है, ये 10.01 है, ये 101, तो 10 भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप चाहो जितने जीरो लगाओ, कौन मना करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं जब क्लास में आपको समझा रहा हूँ तो प्लीज आपको कुछ नहीं करना, केवल आपका पूरा ध्यान क्लास में रखना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएंगे। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 100, और इसी के साथ में हमारी
100 क्वेश्चंस की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई, दैट मींस हमने सेंचुरी लगा दी है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 101 की ओर, और आगे की जो हमारी 54 क्वेश्चंस की जर्नी है उसे कंप्लीट करते हैं। यह है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15 1/16, ये मिक्स फ्रैक्शन है ध्यान रखिएगा, एंड राइट आफ्टर समिंग इट टू ए टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अभी इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले को। 15 से 1/16 का दशमलव समतुल्य ज्ञात करके उसे दो अंकों की बड़ी संख्या में योग करके लिखिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15 1/16 एंड एडिंग इट। यहां पर ये लिखना था, राइट आफ्टर छोड़ दीजिए, ये राइट आफ्टर नहीं आना चाहिए था, एंड एडिंग इट टू ए टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखना चाहिए था। ये थोड़ा सा ठीक रहेगा ना, इसमें ये थोड़ा सा क्या रहेगा सर, ठीक रहेगा, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15 1/16 एंड एडिंग इट टू ए टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ये जब ठीक रहेगा अब आप आसानी से कर सकते हो सर, कुछ नहीं पूछा क्वेश्चन में, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले ये जो 15 1/16 है ना इसका डेसिमल इक्विवेलेंट करो, तो पहले तो इसको ऑर्डिनरी फ्रैक्शन या साधारण बिन में कन्वर्ट करो। 16 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो पता कितना रहेगा, 16 और 8 होता है 240 और ये आ जाएगा आपके पास में 240 1/16, क्योंकि मैंने कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया, 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 आपके पास में कितना आएगा 0 90, और 9 और 15 और 9 कितना होता है 24, तो 240 और प्लस 1 आ गया, तो कितना आ गया 241/16। चलिए सर पहले इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो 241 में अगर आप 16 का डिवाइड करते हो तो 16 1 16 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर, यहां से 8 रहेगा, ठीक है 4 and 4 8 रहेगा 81। 16 5 जे कितना आएगा सर आपके पास में 80, माइनस करोगे तो 1, यहां पॉइंट लगा के 10 बनाएंगे। सर डिवाइड नहीं हो रहा, जब डिवाइड नहीं हो रहा तो लगाइए सर 0, 0 से बनेगा 100 और 16 6 जे कितना होता है 96, माइनस करोगे तो सर 4, 0 बनेगा, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 2 जा 32 करोगे तो माइनस का 8 और 0, तो 16 5 जा कितना रहेगा सर 80। दैट मींस ये तो सर इसका राइट आंसर है, राइट आंसर नहीं सॉरी, इसका डिवाइड का आया कितना आया 15.0625। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे ऐड करना है, इसे योग करना है, किसमें, दो अंकों की बड़ी संख्या में, टू डिजिट की लार्जेस्ट नंबर। सर टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछूं मैं, अगर आपसे मैं टू डिजिट की लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछूं तो कितना होता है सर 99। टू डिजिट की लार्जेस्ट नंबर कौन सी होती है सर 99। इसे 99 में हमें प्लस करना है, कितना करना है 99 में प्लस करना है 0.0000, तो 5 2 6 0, 9 और 5 14, 1 कैरी, 9 1 10, 1 11, तो 114.0625 आपका राइट आंसर रहेगा। आपका कितना रहेगा 114.0625। आप कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए को सोच रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सही ए नहीं है, डी को काट कर आप कर लीजिए सर 114.0625, इसकी जगह लिख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर डी की जगह लिख लीजिए कि 114.0625, ऑप्शन नंबर ए इसी तरह से दिया होगा एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, इसलिए कि जल्दबाजी में बच्चे इसको टिक कर दे, लेकिन नहीं जीरो थोड़ी छोड़ सकते हो, जब आपका यहाँ पर जीरो आएगा तो वो जीरो ऐसा थोड़ी कि उस समय जाके जीरो हट जाएगा, आपने केवल प्लस ही तो किया है, आपने जीरो थोड़ी हटाया, नहीं सर जीरो नहीं हट सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, इसमें टिक सही कर लीजिए 114.0625 आपका सही उत्तर रहेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 102, प्रश्न संख्या 102 की ओर बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है कि सर इसको राइट 4.25 इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, पहले से ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 4.25 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 425/100 याद रखिएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है सर टू डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है सर टू डिजिट है, दो अंक है तो हमारे पास में दो जीरो आएंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास में दो शून्य आएंगी या दो जीरो जिसे आएंगे। सर सबसे पहले इनको डिवाइड कर दे 5 से, जितना हो सके उतना इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो कर सकते हैं, अरे ये क्यों कर रहे हो, या तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 100 का सीधा डिवाइड करके, है ना, 100 का सीधा डिवाइड करके उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो,
या आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा ना सिंप्लीफाई करना, क्योंकि आपको देखो ऑप्शंस भी इसी तरह के हैं, कहीं भी डिवाइड में 100 नहीं है, डिवाइड में 50 है ना, तो आपको पता ना कि 50 आ सकता है या 4 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों आ सकते हैं ना, 50 और 4 100 से, 100 से 50 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है 25 का डिवाइड करने पर। चलिए पहले 2 का डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 का डिवाइड करते हैं, 5 का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 5 8 जा 40 एंड 2 25, 5 5 जा 25, ठीक है, यहाँ कितना रहेगा सर आपके पास में 20। अभी भी सर 5 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, देखो दोनों में हो रहा है, क्योंकि उसके लास्ट में 5 पे, ये तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और वो कितना आ जाएगा 17 5 जा 85, तो 17 अपॉन 4, कुछ टेबल्स भी याद रहनी चाहिए ना 20 तक, ध्यान रखिएगा। अब देखो सर 17 अपॉन 4 आपके पास में आया, तो क्यों ना इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे। सर यहाँ पर अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में राइट आंसर कितना रहेगा सर, 14 का अगर आप यहाँ से डिवाइड करते हो 17 अपॉन 4 में, तो आपके पास में आएगा सर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस करेंगे तो सर 1, और जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह से एक यू बनाते, इस तरह का यू बनाते, सबसे पहले 4 देन 1 एंड देन आपके पास में 4, तो 4 1 अपॉन 4, 4 सही 1/4 आपका राइट आंसर रहेगा। मैंने सबसे पहले सिंपली किसी के डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका 100 है डिनोमिनेटर में, लेकिन वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, मिसर भिन्न में नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को चूज नहीं कर सकते, तो हम 100 का डिवाइड नहीं करेंगे, हम किसका डिवाइड नहीं करेंगे, 100 का डिवाइड नहीं करेंगे, 100 का भाग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर 100 इसके अलावा कहीं भी नहीं है। अब क्या करें, तो सर क्यों ना पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि एक के डिवाइड में 50, एक के डिवाइड में 4 है, तो हो सकता है कि 4 भी तो हो सकता है ना, अरे 100 से 4 बनता आसानी से, 25 का डिवाइड करके दोनों में 25 का करते तो आपको 17 अपॉन 4 पहले मिल जाता, लेकिन हो सकता है कि 25 के टेबल किसी को नहीं पता हो तो वो 5 से डिवाइड करके भी देख सकता है, और हो सकता है 25 से सीधा करेगा तो सीधा आपको 17 अपॉन 4 मिल जाएगा, फिर इसमें डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, मिसर बिन में से बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इसकी सर वैल्यू बतानी हमें, ये आपके पास में जो भी इक्वेशन लिखी हुई है कि कुछ मान लिखा हुआ है इसे सोल्व करना है। चलिए सर बहुत आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे 1.1, एक मिनट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है दोनों में, दोनों आपके चेंजेज है दोनों में, देखो है ना दोनों में चेंज है, एक बार मैं हिंदी मीडियम वाले को सोल्व करके देखता हूँ, अगर उससे आंसर आता है तो इंग्लिश मीडियम वाले में ठीक कर देंगे ना, ये 1.1 का ध्यान रखो। यहाँ लिखा हुआ सर 1 × 0.3 × 0.01 × 0.003, देखो सर पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए, जब पॉइंट को भूल जाओगे तो क्या बनेगा 1 × 3 × 1 × 3, क्योंकि ये जीरो तो कोई काम के नहीं होते ना पहले वाले, अरे किसी भी नंबर के पहले जीरो क्या काम के, वो तो बाद में जीरो होंगे तब बनेगा ना, अगर मैं 30 लिखूं तो काम का है, 0 3 तो 3 होगा, चाहे मैं 0 0 0 0 0 0 0 0 3 लिख दूं, लेकिन यहाँ 3 लिखने पर ध्यान रखिएगा वैल्यू बदल जाएगी, इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये मत सोचना कि सर इसकी भी हटा देंगे, इसकी नहीं हटा सकते, अगर मैं सोच के देखो ऐसा समझो, जैसे ऐसे समझ के देखो है ना, मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको रुपीज दिए और मैंने आपको इतने रुपए दिए, कितने, मैंने आपको इतने रुपए दिए और अब मैंने आपको इतने रुपए दिए, क्या दोनों सेम है या अलग, आपको सर ये तो अलग बात है, आपने यहाँ पर तो हमें केवल 300 रुपीज दिए, लेकिन सर यहाँ पर तो आपने खूब सारे रुपए दे दिए, ये तो चेंज है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा ये जीरो का इतना इंपॉर्टेंस है। हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर बीच में यहाँ पॉइंट लगा दूं ना यहाँ, अब आपको सर बात तो एक ही है, आपने हमें 300 रुपीज ही दिए, आपने हमें कितने दिए सर 300, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो का तो वैसे कोई मीनिंग नहीं है और इधर भी ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, वो पॉइंट आने पर वो पॉइंट क्या करता है कि बराबर कर देता है इक्वल, ध्यान रखिएगा पॉइंट का इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए कहता हूँ कि मैथ में हम जो लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप पॉइंट कहाँ लगा रहे हो, पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है, जीरो किस तरफ है, जीरो किस तरफ नहीं है, इसलिए सब कुछ सेम नहीं समझना है, अपने माइंड को इस तरह से विकसित करना है, इस तरह से डेवलप करना है कि नहीं हमें ध्यान रहे कि कौन सा पॉइंट किधर होगा तो हमें आंसर कितना आएगा और जीरो किस तरफ लगे हुए वो भी ध्यान रखना है। चलो इसका अगर सोल्व करेंगे तो 3 3 जा कितना आएगा 9 आएगा, अब हमें जीरो काउंट करने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 9 आएगा, लेकिन पॉइंट्स काउंट करते हैं सर 1 2, इसके पास में 1, इसके पास में 2 और इसके पास में कितने 3, तो 3 2 5 4 1 6, सर 6 डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, सर जो खाली रहेगा वहां क्या भरेंगे, अरे सर सबको पता है सर 0 0 0 लिखेंगे और इधर 0, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, पता करो कि क्या ये ऑप्शन में है क्या, 0.00000950 आने चाहिए, काउंट कर लो बहुत ध्यान से है ना, 2 2 4 ऐसे 2 2 का पेयर बना के काउंट किया करो ना, ये सर 5, ठीक है सर ये वाला ऑप्शन नंबर ए है, तो एक काम करो इंग्लिश मीडियम में जो 1.1 लिखा हुआ है ना इसे 1 कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम में जो 1.1 लिखा हुआ है ना इसे 1 कर लीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल में 1 ही है,
तो 1 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.003। देखो देखने में कितना बड़ा सा लग रहा था ना क्वेश्चन कि सर कैसे कैसे नंबर दे रखे, लेकिन आंसर कितना है 9। और अब क्या करना है सर, केवल और केवल आपको पॉइंट्स काउंट करके और जीरो जी लिख देने बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, प्रश्न संख्या 104। What is the digit at the units place in 243.1? 243.1 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। यहाँ यूनिट प्लेस भी आ सकता है या वंस प्लेस भी आ सकता है, ध्यान रखिए है ना, यूनिट या वंस प्लेस भी आ सकता है। विच डिजिट, यहाँ पर वोट इज की जगह लिखना चाहिए था विच डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन 243.1। आप सबको पता है कि देखो आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ, मान लीजिए 243.126 अगर मैं लिख देता हूँ ना, चलिए मैं इसे नेक्स्ट पॉइंट पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से होता है ना। मान लीजिए कि इस तरह से नंबर होता अगर है ना, ये इस तरह से नंबर होता आपका, तो इसे क्या क्या आप बोल सकते थे सुनना। जैसे अगर मैं ये जो डेसिमल होता है, देखो ये तो डेसिमल होता है ना, इसके इस तरफ जो सारे नंबर्स होते हैं ना लेफ्ट साइड में, इसे तो कहते हैं सर इंटीजर्स, इसे क्या कहते हैं इंटीजर्स, यानी इसे तो कहते हैं सर पूर्णांक। क्या कहते हैं सर पूर्णांक, क्योंकि ये बिना विदाउट पॉइंट वाले हैं। और ये हमारे पास में क्या होते हैं सर डेसिमल नंबर्स, ये हमारे पास में कौन से होते हैं डेसिमल, जिसे कहते हैं सर दशमलव में। एक बार के लिए आपको मैं सारा सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने इस टाइप का देखा था आपको, ये पॉइंट। अब जैसे सर सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ जिसे यूनिट प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा आ जाएगा सर, यहाँ से टेंस आ जाएगा, इसके बाद में कौन सा आ जाएगा सर हंड्रेड, हंड्रेड आएगा, ध्यान रखिए। हिंदी में लिखे तो सर इसे इकाई स्थान कहते हैं, इसे कहते हैं सर दहाई स्थान कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं सर सैकड़ा, उसके बाद में हजार लाख ये सब आते रहते हैं। लेकिन जब इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पता है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर हम वंस नहीं आता कभी भी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आता है टेंथ प्लेस, यहाँ पर आएगा हंड्रेड्थ, हंड्रेड्थ ध्यान रखिएगा। टीएच, टीएच आने का मतलब डिवाइड कर रहे हो, और इधर क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, जैसे ये मल्टीप्लाई टेन से है, ये मल्टीप्लाई हंड्रेड से है, ये मल्टीप्लाई वन से है, और ये डिवाइड है आपका टेन से, ये डिवाइड आपका हंड्रेड से, और ये डिवाइड है सर थाउजेंड से, याद रखिएगा। यहाँ ये क्या बनेगा सर, ये हमारे पास में बनेगा सर थाउजेंड, क्या बनेगा सर थाउजेंड, थाउजेंड टीएच आ जाएगा। हिंदी में इसे लिखोगे तो इसे आप लिख सकते हो कि सर ये हमारे पास में है दसवां, दसवां ये है सर सोवां, और ये हमारे पास में सर हजारवां, ये हमारे पास में हजारवां, इसे आप दसवां सोवां हजारवां भी कह सकते हो सप्तांत से, है ना, ये सब भी आते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए ना, इस तरह का ध्यान रखिएगा। वैसे नोट्स में आपके दिए हुए हैं डेसिमल, तो इस तरह की एक पूरी नंबर बना के और उसके नीचे डिजिट्स लिखे हुए हैं कौन सा डिजिट को आप क्या बोलते हो, ठीक है। चलिए सर अब हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न में देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर इसके अंदर आपको वंस डिजिट या इकाई अंक बताना है। आपको पता है वंस डिजिट कौन सा सर, ये वाला है तो है थ्री, तो वंस डिजिट या इकाई अंक कौन सा सर आपका, थ्री आपका वंस डिजिट या इकाई अंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, डेसिमल फॉर्म ऑफ 7 रुपीज 5 पैसे। आपको पता है कल आपको किलोमीटर और मीटर का था पीछे वाले क्वेश्चन में, 7 रुपीज और 5 पैसे एक क्वेश्चन था ना जिसमें किलोमीटर मीटर बनाया था, ये आपको रुपीज और पैसे में आपको पॉइंट में लिखना है। तो देखो 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने होते हैं 100, तो पॉइंट के बाद में कितने जीरो है सर 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 डिजिट रहेगी, बाकी सभी डिजिट किधर रहेगी इस तरफ। अब देखो सर 7 रुपीज है, तो रुपीज तो कितने हैं 7, पैसे कितने सर ओनली 5 है, ध्यान रखिएगा। तो 5 कहाँ लिखा जाएगा इस जगह, कुछ बच्चे इसको 7.5 लिख देंगे, 5 का मतलब ये तो 50 पैसे हो गए, अरे 5 इधर लिखोगे तो 50 हो गए, ये तो गलत बात है। 5 यहाँ आएगा तो 7.05, ये आप इसे अगर रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो 5 में कितने का डिवाइड करना होगा हमें 100 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपए इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.05। इसे जो 7 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 7.05, ऐसे भी कर सकते हो या उस तरह से कर सकते हो, तो 7.05 या 7.05 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 105, प्रश्न संख्या 105 आपका सही। क्वेश्चन नंबर 106, राइट इज डेसिमल, इस सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो ये यहाँ तक तो सर सब कुछ डेसिमल में ही, पहले से आपको डेसिमल में लिखना है ना, डेसिमल में लिखना है, सबको प्लस कर लेना, ठीक है। इसको देखिए सर जीचे अगर जीरो है, सर जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते हो तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ इतना जरूर पड़ेगा, ये पॉइंट जीरो रहेगा, ये क्या रहेगा सर पॉइंट जीरो रहेगा, याद रखिएगा। ये कितना रहेगा 0/10 को क्या लिखोगे सर पॉइंट जीरो लिखोगे, 5/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसे मैं लिखूंगा 0.05, क्या लिखूंगा 0.05। चलिए सर अब हम करते हैं सर, पहले तो इनको प्लस करते हैं,
हमारे पास में देखो कुछ प्लस है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर प्लस था माइनस था, ठीक है सर, सब कुछ प्लस में ही है, ठीक है सब कुछ प्लस में ही है, ठीक है प्लस करते हैं, तो 323 एंड 0.0, याद रखिएगा 0.0 एंड 0.05, आप सबको पता है यहाँ 0.0 रहता है, 0.0.0, तो ये 50.323, तो 323.05, 323.05, 323.05 आपका राइट आंसर रहेगा, 323.05 ये आपका राइट आंसर रहेगा, 106 का सही उत्तर रहेगा, 323.05 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, द डेसिमल नंबर ऑफ हंड्रेड्स हंड्रेड्स इज 100वें का दशमलव अंकन होगा, अब बताओ हंड्रेड्स का मींस, हंड्रेड का मींस 1/100, हंड्रेड का मींस कितना रहता है सर, 1/100, याद रखिएगा मैंने कहा था हंड्रेड का मींस डिवाइड में हंड्रेड, टी एच आ रहा लास्ट में, याद रखिएगा सोवा है तो वो सोवा कब आता है सर, दशमलव के बाद में आता है, डेसिमल के राइट साइड में आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो कितना आएगा 0.01, क्योंकि 100 प्लेस कौन सा होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 100 प्लेस कौन सा होता है, तो सर ये वाला आपका 10th और ये आपका 100 प्लेस होता है, तो अगर आपसे डेसिमल नंबर का 100 प्लेस पूछा जाए तो 0.01 रहेगा, 0.01 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा 0.01, क्योंकि 100 है तो 1/100 लिखेंगे, इसे कितना लिखेंगे 1/100, 100 होता तो मल्टीप्लाई 100 कर देते, 100 होता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 करते, लेकिन 100 है इसलिए क्या करेंगे सर डिवाइड 100 करेंगे, सोवा लिखा हुआ है सैकड़ा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, सैकड़ा होता तो गुणा सौ करते, सोवा लिखा हुआ है इसलिए हम सौ का भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर सौ का भाग लगाएंगे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 108 देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे सर, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना 0.26 का भिन्न रूप बताओ, सर आपको पता है 26/100 आएगा, पहला पॉइंट तो यहीं से कंप्लीट हो गया, 26/100 आएगा ना, क्योंकि टू डिजिट है राइट साइड में, थोड़ी सी हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आपको सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना डाउट होना नहीं चाहिए, आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, दोनों में टू का डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो सर 13, यहाँ से करेंगे तो सर 15, आपको ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो 1 और 13 के अलावा कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, अगर 13 का इसमें करेंगे तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसा सर कोई नंबर नहीं जो दोनों को सेम नंबर डिवाइड करेगा, इसलिए आपका कितना रहेगा सर 13/15, 13/50 आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या लिखा हुआ है, सर ये किसके इक्वल है, प्लस करना छोटा सा कि 47.24/7.82, चलिए प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 10, यहाँ पर 1 रहेगा, 7 और 7 14, 1 15 रहेगा, 1 कैरी रहेगा, 4 और 5 55.06, 55.06 रहेगा, 55.06 इसका राइट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, मान बताना कितना आसान क्वेश्चन है, 0.2 लिखा हुआ है और डिवाइड में 0.006 लिखा हुआ, तो यहाँ भी डबल जीरो कर देते और माइनस कर देते, क्योंकि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं समान दशमलव में, ये सबसे पहले 1 बनेगा, यहाँ 1 करेगा, यहाँ करेगा सर हमारे पास में 10, ये 9 बनेगा और ये 10 बनेगा, यहाँ आएगा सर 4, ये कितना आएगा 9 और यहाँ पर 1 और ये 0.0, तो 0.194, 0.194 आपका राइट आंसर रहेगा, 0.006 साइज 006। ओके यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम में देखा नहीं, हिंदी मीडियम में सही लिखा हुआ है ना, हिंदी मीडियम में थोड़ा सही लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में अगर ये तो इसका तो आंसर यही रहेगा ना, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इंग्लिश मीडियम वाले के हिसाब से, यहाँ पर काट कर आप 0.06 कर लीजिए, यहाँ पर काट कर कितना कर लीजिए इसकी जगह 0.06 कर लीजिए, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, बाकी ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते, 0.06 कर लीजिए इसकी जगह, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, 0.2 और 0.06, तो यहाँ पर जीरो रहेगा, माइनस यहाँ देखोगे तो सर ये 1 रहेगा और ये 10, यहाँ पर रहेगा 4 और ये 1.0, तो आपका 0.14 आ जाएगा, 0.14, 0.14 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, बस केवल ऑप्शन देखने के लिए, बाकी ये क्वेश्चन भी अगर इस टाइप का हो तो ऐसा कर सकते हो, ये आप कर ही सकते हो, आसान क्वेश्चन था केवल वो आपका डेटा चेंज था, तो इसमें 0.06 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, पोजीशन ऑफ 0.023 इज बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया ना, नए टाइप का क्वेश्चन है, 0.023 के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है ये पूछा था, किसके बीच स्थित है ऐसा लिखना चाहिए था इसको, किसके बीच स्थित है, अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0.023 जो है वो किस किस के बीच में आएगा, एक लिखा हुआ सर 0.2 और 0.3 के बिटवीन, एक लिखा हुआ सर 0.03 और एक लिखा हुआ 0.029, एक आपके पास में लिखा हुआ 0.02 और एक लिखा हुआ 0.03, अब बताइए सर आपको क्या लगता है कि ये सबसे पहला पॉइंट, देखो सर 0.0 आना चाहिए, यहाँ पर तो सर सीधा 2 से स्टार्ट हो गया,
यहाँ तो क्या हो गया सर, टू से, ये तो इससे बहुत बड़ा है ना, इससे तो ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ तो जीरो पॉइंट है, तो ये तो सर इससे ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर 0.03, नहीं सर मुझे 0.02 चाहिए, तो ये किसके बीच में आएगा, 0.02 और 0.03 के बीच में यहाँ स्थित होगा, इसके बिटवीन इसकी पोजीशन होगी 0.02, और फिर आपका देखो इसमें 0.01 0.02 इस तरह चलता जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा क्योंकि स्टार्टिंग की टू डिजिट तो यहाँ मिलनी चाहिए ना, स्टार्टिंग की टू डिजिट तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए सर, मिलनी ही चाहिए। तो ये आपके किसमें बीच में स्थित होगा सर, ऑप्शन नंबर सी 0.02 और 0.03 के बीच में स्थित होगा, क्योंकि ये नंबर देखो ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना, इससे इससे बहुत आगे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.023 जो नंबर लाइन होती है ना आपकी, तो 0.02 तो कहाँ मिलेगा सर, इससे बहुत आगे मिलेगा, और 0.3 तो इससे भी आगे मिलेगा, और 0.03 वो तो सर यहाँ मिलेगा ना 0.03, हाँ 0.02 इससे पीछे मिलेगा क्योंकि वो इससे छोटा है, उससे क्या सर इसे छोटा है। इस तरह से बनाते हैं नंबर लाइन में, इस तरह से आप नंबर लाइन में लिख लिख के देखोगे ना तो पता चलेगा कि सब कुछ कहाँ है। पहले आप ये सब ये वाला नंबर लिख लीजिए पहले नंबर लाइन पे, है ना, ये पहले नंबर लिख लिया, फिर सबको अपने अपनी जगह लिख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि सर ये इसके इस रेंज में आता है, ये कौन सी रेंज में आता है, या कौन से जिसे रेंज को हिंदी में कहते हैं, शायद रेंज को कहते हैं प्रांत कहते हैं, सही प्रांत कहते हैं, कौन सी रेंज के बीच में स्थित है, उसके किससे किसके बीच में स्थित है, तो ये 0.02 और 0.03 के बीच में स्थित रहता है। ये आप नंबर लाइन बनाकर भी देख सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो, ग्रेटर स्मॉलर केवल आपको लिखना होगा, और ग्रेटर स्मॉलर लिखकर देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, प्रश्न संख्या 112 क्या लिखा हुआ है, फिर से सर वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इन 32.42 इज 32.42 में दसवें स्थान पर कौन सा अंक है, अब बताइए खुद आप बता सकते हो कि सर 32.42 सर टेंथ प्लेस कौन सा होता है, सर ये वाला आपका कौन सा होता है, टेंथ प्लेस होता है, ये आपका दसवां स्थान होता है, तो कौन सा नंबर है सर आपका 4 इसकी जगह आएगा, सर 4 आपका टेंथ प्लेस पे या दसवें स्थान पर, कितना सर 4 या 4 आपका दसवें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 113 राइट 2 रुपीज एंड 50 पैसा एज डेसिमल, दशमलव के रूप में लिखिए 2 रुपए 50 पैसे, सर आप खुद कह सकते हो कि सर 2.50 आएगा, कितना आएगा सर 2.50, तो 2.50 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सर रुपीज इधर लिखेंगे और पैसे इधर लिखेंगे तो 2.50 या 2.50 लिखेंगे तो 2.50 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4 इज 1/4, 1/4 का मीन्स ध्यान रखिएगा, 1/4 का मीन्स होता है 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 1/4, डेसिमल पूछा है सर क्या कुछ नहीं करना सर, इसमें आपको 1 का डिवाइड 4 में 1 का डिवाइड करना है, 0.0 बनाओगे, 4 रुपये कितना रहेगा सर 8, माइनस करोगे तो सर 2, यहां से 20 बनेगा, और 4 5 जे कितना हो जाएगा सर 20 माइनस 0, तो आपका कितना आ जाएगा 0.25 आपका सही उत्तर रहेगा, 0.25 आपका राइट आंसर रहेगा, 0.25 आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115 इज इक्वल टू किसके बराबर है, आप सबको पता है कि पहले वी बोर्ड मास से क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 6.2 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 200 है, तो देट में सबसे पहले इसको क्या करते हैं सर यहां से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, तो 6200, आपको पता है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट छोड़कर यहां से पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इसमें से माइनस कितना करना है सर 200, तो यहां से आप सबको पता है कि 620 कह सकते हो भाई, पॉइंट के बाद में जीरो है तो 620 कह दीजिए, माइनस 200 करोगे तो कितना आ जाएगा सर 420, 420 आपका सही उत्तर रहेगा, 420 आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो रहे हैं, हो सकता है कि आगे जाने पर कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ जाए, थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 116 द डेसिमल फॉर्म ऑफ 306 306/700 का दशमलव रूप बताइए। देखो सर पहले क्या लिखा हुआ है 306, तो एक तो लिखा हुआ है 306, एक लिखा हुआ है 306, तो ये तो आपने 306 लिख दिया, 700 है 700 है, तो 700 दैट मींस 7/100, ये तो कहेगा ना 700 तो 7/100 दैट मींस 0.07, तो आप इसको कैसे लिखोगे 306.07 लिखोगे, इसका क्या लिखोगे सर 07, क्योंकि 100 जो प्लेस होता है वो कहाँ आता है, पहला पॉइंट तो 10th आता है, 10वां, नेक्स्ट कौन सा आता है आपके पास में 100th आता है, ये आपके पास में कौन सा आता है 100वां प्लेस आता है, तो 306.07 ये आपका राइट आंसर रहेगा, 306.07 ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा। डी और बी दोनों आपको यहाँ पर सही दे रखे हैं, डी और बी आपको दोनों सही दे रखे, तो इसकी जगह आप काट कर 306.7 कर लीजिए, इसकी जगह क्या कर लीजिए 306.7 कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए, है ना, ये ऑप्शन गलत है, दोनों सेम थे इसलिए मैंने इसमें चेंज करवा दिया, इसकी जगह आप 306.7 कर लीजिए, थोड़ा सा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ सर डेसिमल फॉर्म करना 8/10
300, 8 तो 10 में और 300 में। सर 8 टेंथ है, ध्यान रखिएगा, तो मुझे डिवाइड करने की वैसे जरूरी नहीं, करना चाहो तो आप कर सकते हो, सर 10 का कर लो, इधर आप 100 का कर लो। एक तो ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप इस तरह से कर सकते हो, या आप सीधा भी कर सकते हो कि सर 8 टेंथ पूछा है तो दैट मींस पॉइंट के बाद में यहाँ 8 टेंथ आएगा और 300 तो यहाँ आएगा, तो 0.83 आप ऐसा भी सीधे आप लिख सकते हो। आपको अगर ध्यान रहे कि हाँ 10th प्लेस कहाँ आता है और 100th प्लेस कहाँ आता है, 10वां स्थान कहाँ है और 100वां स्थान कहाँ है, तो आप सीधा भी उसको लिख सकते हो, या आप इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। 10वें का मीन्स 10 का डिवाइड करना है, 100वें का मीन्स 100 का डिवाइड करना है, 100 का डिवाइड करना है 100, और 10th का मीन्स 10 का डिवाइड करना है। ये था ऑप्शन नंबर सी, 0.83 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118, 118 देखिए, 70 पैसे 70 पैसे इन डेसिमल फॉर्म इज, 70 पैसे दशमलव के रूप में क्या है। सर आपको पता है कि रुपीज और पैसे इस तरह से लिखते हैं, पॉइंट यहाँ आता है, अगर पॉइंट के बाद में 7070 है, इधर कुछ रुपीज है ही नहीं, तो रुपीज कितने हो जाएंगे 0.70, तो 0.70 आपके कितने आ जाएंगे सर, रुपीज आ जाएंगे। इसे डेसिमल फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो, दशमलव रूप में बदलते हो तो। क्वेश्चन नंबर 119, द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन इज, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है। मुझे लगता है कि डेसिमल नंबर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया तो हम कर लेते हैं। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है, सर ओनली टू एक ऐसा नंबर है, टू एक ऐसा नंबर है जो आपकी इवन नंबर भी है और साथ में आपका प्राइम नंबर भी है, जो आपकी सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। क्या सर बाकी कोई भी अभाज्य, कोई भी सम संख्या अभाज्य हो सकती है? आपसे अगर ये मैं सवाल क्वेश्चन करूं, क्या सर कोई और इवन नंबर या सम संख्या है जो आपकी अभाज्य हो सकती है? आपको क्या सर नहीं, तो मैं पूछूंगा इसका रीजन। सर इसका रीजन ये है कि सर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें ओनली वन का डिवाइड हो और उस नंबर का डिवाइड हो। लेकिन सर अगर कोई भी इवन नंबर होगी तो उसमें एक तो वन का डिवाइड होगा, एक उस नंबर खुद का डिवाइड होगा, और इसके अलावा टू का तो डिवाइड हो गया होगा। भाई इवन नंबर है दैट मींस टू का डिवाइड होगा, वो टू से डिविजिबल है, वो नंबर आपके टू से डिविजिबल है, उस संख्या में दो का भाग जाएगा। अगर वो इवन है तो सर क्या ये फिर नंबर कैसे आपकी प्राइम नंबर हो सकती है? सर कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि टू एक ऐसा नंबर है जो वन और टू के अलावा कोई भी इसके अंदर डिवाइड नहीं करता, इसलिए टू एक प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी इवन नंबर आपकी प्राइम नंबर नहीं हो सकती है, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, तो वो नंबर कौन सा है जो प्राइम और इवन दोनों है, तो वो नंबर है ऑप्शन नंबर सी, आपका टू इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, प्रश्न संख्या 120। देखिए अभी तक मुझे लग रहा था कि अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, है ना, एक एक लाइन के, बस देखा आंसर आया, देखा आंसर आया। एग्जाम में बहुत बार ऐसे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और छोटे क्वेश्चंस में गलती होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझ लेते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो कर लूंगा, वहां जल्दबाजी में कुछ गलती कर देते हैं ऑप्शंस में, तो आपको ध्यान रखना है। अब थोड़े से मुझे लगते हैं कि बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी, स्टेटमेंट ज्यादा दिए होंगे, तो आपको ध्यान से इनको भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 120, मिस्टर रंजन बॉट 15.500 केजी ऑफ राइस, 25.750 केजी ऑफ फ्लोर एंड 3.250 ऑफ केजी ऑफ सुगर, फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेजेस, इज इट 50 केजी और लेस, इफ लेस देन हाउ लिटिल, लेस देन हाउ लिटिल। श्री रंजन ने 15.500 केजी चावल खरीदा, 25.750 किलो आटा और 3.250 किलो चीनी खरीदी, उसकी खरीद का कुल भार ज्ञात कीजिए, क्या ये 50 किलो से किलो या उससे कम है, अगर कम है तो कितना कम है। सिर्फ कुछ नहीं करना, सबको प्लस कर लो, 15.500 तो ये यहाँ से लेकर आया, 25.750 ऐसे तो करते ना जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं, वो इसी तरह से तो प्लस करते हैं ना, सबको जैसा लिखते हैं और फिर सबको एक साथ प्लस कर लेते हैं, तो आप भी प्लस कर लीजिए, 5 और 5 10 वन कैरी, और यहाँ से करेंगे तो 7 और 2 9 और 1 10 और 1 15 आ जाएगा, 1 यहाँ से कैरी आ जाएगा, 5 5 10 10 और 1 11 11 और 3 14 वन कैरी रहेगा, 2 1 और 2 1 3 और 1 4 तो 44.500। सर क्या 50 केजी से कम है? सर यस, कितना कम है तो 50.000, हाउ मच लेस, तो 44.500, क्योंकि ग्राम ग्राम जो होता है वो 100 में आता है ना, माइनस करेंगे तो यहाँ से ये 4 बनेगा, ये 10, ये 9 और ये 10, बाकी तो 00 आएगा ना, और सॉरी ये तो 10 ही रहेगा ना, ये तो कितना रहेगा सर, यहाँ से 10 ही रहेगा और ये 00 है, यहाँ से आपके 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा और ये 0, तो 5.500, ये सिर्फ आप कह सकते थे 5.500, 5.500, 5.500 आपका किग्रा ये, एक किलोग्राम आपका इससे लेस देन है, इससे आपका ये कम है, ध्यान रखिएगा, हाउ लेस, इफ लेस देन हाउ लेस, ये कह सकते थे हाउ लेस, है ना, इससे कम है तो कितना कम है, तो सर 5.00 ये क्या सर, इससे कम है, 5.500 की ग्राम ये कम है, कुछ नहीं गया हमने, सब जितना वो सामान लेकर आया, जितना वो जो कुछ भी लेकर आया, फ्लोर राइस सबको हमने क्या कर लिया सर, सबको प्लस कर लिया, हमने देखा कि उसका टोटल वेट कितना है, 44.500
और उसने क्या कहा था कि यह हमें पूछा था कि 50 केजी से कितना कम है, तो हमने देखा कि सर 5.500 क्या है उससे लेस देन है, 50 ग्राम किलो से वो कम है। क्वेश्चन नंबर 121, प्रश्न संख्या 121 देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 10 ईयर ओल्ड राहुल कैन लिफ्ट मैक्सिमम 15 केजी वेट, कैन लिफ्ट 15 केजी वेट मैक्सिमम, मैक्सिमम ध्यान रखिए, मिनिमम मैक्सिमम यानी उससे ज्यादा नहीं जा सकता, मैक्सिमम का मीन्स क्या होता है कि अधिकतम यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा, मिनिमम का मीन्स इससे कम नहीं जाएगा, याद रखिएगा। मैक्सिमम 15 केजी वेट लिफ्ट का मतलब उठा सकता है, मैक्सिमम 15 केजी वेट और 10 ईयर ओल्ड ध्यान रखिएगा। इफ ही बाइज 4 kg 900 ग्राम, इफ ही बाइज 409 ग्राम एप्पल्स, 2 kg 600 ग्राम ग्रेप्स एंड 5 kg 300 ग्राम मैंगोज, मैंगोज कैन ही अफोर्ड द टोटल वेट बोट बाय हिम, इफ यस हाउ मच मोर वेट ही कैन लिफ्ट। 10 साल का राहुल अधिकतम 15 किलो वजन उठा सकता है, तो मेरे को लगता है कि आपकी उम्र का हो सकता है 15 किलो वजन उठा सकता है। यदि वह 4 kg 900 ग्राम तो सेब खरीदता है, 2 kg 600 ग्राम अंगूर और 5 kg 300 ग्राम आम खरीदता है, क्या वह अपने द्वारा खरीदा गया कुल भार वहन कर सकता है? यदि हाँ तो वह अपने साथ कितना अधिक भार और उठा सकता है? देखो सर क्वेश्चन आसान है कि पहले तो ये देख लो कि उसने टोटल कितना परचेज किया। हमें ये पता है कि वो 15 kg से ज्यादा नहीं ले जा सकता, ये फिक्स है कि वो मैक्सिमम 15 kg तक उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता। तो देख लो कितना तो उसने कंप्लीट कर लिया सर, 4 kg, तो मैं इसको 4.900 किलोग्राम कह सकता हूँ ना, पॉइंट लगा के 4.900 ग्राम। ग्रेप्स की अगर बात करूं अंगूरों की तो 2 kg 600 ग्राम, तो 2.600 किलोग्राम कह सकते हैं इसे। और आपकी उसके बाद में क्या लेकर आया सर, मैंगोज, तो 5 kg 300 ग्राम, 5 kg 300 ग्राम अंगूर आम लेकर आता है, तो 5.300 kg ये मैंगोज लेकर आता है। प्लस कर लो टोटल कितना हो गया, 0 0 9 6 15 15 3 सर 18, पॉइंट रहेगा सर 1, और यहाँ कितना आ गया 5 4 9 1 10 और 12 सर 12, तो 12.800 kg सर अभी तो और ले जा सकता है, कितना और ला सकता है सर? टोटल वो 15.000 kg ले ला सकता था, उसमें से 12.800 kg अभी वो टोटल लेकर आया है, तो कितना और उठा सकता है? तो सर 0 0, इसके लिए हम करेंगे 4 ये 10 और ये 2 ये 2, और तो 2.200 kg, 2.200 kg अभी भी वो और उठा सकता है, 2.200 kg ऑप्शन नंबर बी वह और उठा सकता है। तो यानी हम उसको अभी 2.200 किलोग्राम और कुछ भी सामान उसको दे सकते हैं, वो भी उठा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आसान है, इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, प्लस है केवल इसको समझना था कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि वह बाजार गया, इतने सब कुछ खरीदा, सेम अंगूर आम उसने खरीदे, एप्पल ग्रेप्स मैंगोज, और टोटल 15 kg तक उसका वो कैपेसिटी है कि 15 से ज्यादा वो उठा नहीं सकता है, तो टोटल उसने 12.800 kg का तो टोटल परचेज कर लिया। अब वो उसको हम कितना और दे सकते हैं सर, 2.200 kg भी वो और उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी भी 2.200 kg। तो आपने गेम देखे होंगे कि जो जैसे हम रेस वाले गेम चलते हैं तो उसके अंदर वो लास्ट में फ्यूल रहता है कि अभी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी हो रहा है, सर इतनी सी कैपेसिटी हो रहा है ना, इस तरह से वो ये कैपेसिटी का छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, केवल आप अगर इसको समझ जाते हो, ये नॉर्मल हम आपकी डेली लाइफ से भी आप कह सकते हो, डेली लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, शिवान्याज स्कूल इज 5 किलोमीटर 350 मीटर अवे फ्रॉम हर हाउस, She walks 1 kilometer 70 meter and travels the rest of the journey by bus. What distance does she cover by bus? Shivanya का स्कूल उसके घर से 5 kilometer 350 meter की दूरी पर है, पर 1 kilometer 70 meter पैदल चलती है, शेष यात्रा वह बस से करती है, वह बस से कितनी दूरी तय करती है? देखो ऐसा क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन नंबर में भी था, वहां क्या था कि वहां पर फ्रैक्शन में था सब कुछ और यहाँ पर आपका पॉइंट में आ गया। अब देखो सर टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें तो टोटल ये डिस्टेंस है, टोटल कितनी है सर 5 किलोमीटर एंड 350, तो मैं इसको ऐसे कर दूं 5.350 किलोमीटर, क्योंकि सबको एक नंबर में कन्वर्ट करो ना, सबको किलोमीटर में लेकर आ जाओ। उसमें से सर ये इतनी डिस्टेंस तो क्या करती है, पैदल चलती है, तो 1.770 है, याद रखिएगा 700 नहीं आएगा, 070 आएगा, यहाँ गलती मत कर देना, 070 आएगा। अब आपको क्यों सर क्यों आएगा, सर आप खुद बता सकते हो कि सर ये 70 है 700 है, सर 70 है तो 70 तो 070 को कहोगे ना, अरे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आते हैं तो 70 तो मैं यही लिखूंगा, यहाँ 0 लिखूंगा, तो सर 1.070 किलोमीटर तो क्या करती है, पैदल चलती है, बाकी किससे चलती है, बस से, या बस से वो कंप्लीट करती है, तो सर बस से कितनी दूरी तय की, हाँ बस से जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी थी सर, टोटल था 5.350, उसमें से 1.070 कवर कर लेती है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ आपका करोगे तो 2 और 15,
15 से करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 8, और यहां से 2 माइनस ये 4, तो 4.280। देखो ध्यान से 4.280, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। सब ऑप्शंस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4.280 किलोमीटर किससे चलती है? सर वो बस से चलती है, वो बस से जाती है। क्वेश्चन नंबर 123, 123 को देखिए सर क्या लिखा हुआ है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। राजू बॉट ए बुक फॉर ₹35.65, ही गेव 50 रुपीज टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। राजू ने 35.65 रुपए में किताब खरीदी, उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, दुकानदार कितने पैसे वापस देगा? सर टोटल 50 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिए थे, उसमें से 35.65 रुपीज उसने बुक परचेज कर ली, रिमेनिंग कितना देगा? सर 4, 10, ये 9, ये 10, ये 9 और ये 10, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 5, 3, 4 एंड 1, तो सर 14.35 रुपीज उसको, 14 पॉइंट, देखो ये नहीं है, ध्यान रखिएगा ध्यान से, 14.135 रुपीज, 14.35 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, 14.35 रुपीज यहाँ पर दिए जाएंगे, 14.35 रुपीज उसको वापिस लौटाएगा वो, वापिस रिटर्न कितने करेगा? 14.35 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 124, रूबी बोट ए वाटरमेलन वेगिंग, वेगिंग का मतलब होता है वजन, वेगिंग 5 किलोग्राम 200 ग्राम वाटरमेलन, आउट ऑफ दिस ही गेव 2 किलोग्राम 750 ग्राम्स टू हिज नेबर, यानी पड़ोसी को दे दिया। व्हाट इज द वेट ऑफ वाटरमेलन दैट रूबी हैज, रूबी ने 5 किलो 200 ग्राम वजन का तरबूज खरीदा, इसमें से अपने उसने अपने पड़ोसी को 2 किलो 750 ग्राम दिया है, तो रूबी के पास बचे तरबूज का वजन कितना? कितना आसान क्वेश्चन है, 5.200 किलोग्राम कह सकते हैं ऐसे कि वो उसने टोटल इतना किया था। अरे ग्राम के 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, 2 डिजिट हो तो 0 लगा दीजिए। इसमें से सर उसने 2 किलोग्राम 750 ग्राम तो सर उसने नेबर को उसने गिव कर दिया, पड़ोसी को दे दिया, ठीक है, तो 0 यहां करेंगे तो सर 1, यहाँ 10, ये कितना आएगा सर 5, और ये 4 और ये 11, जब यहां से करेंगे तो यहां से आपके पास में कितना रहेगा सर 4.2, तो सर उसके पास में रिमेनिंग कितना है 2.450। अब आप इसको 2.45 को 45 भी कह सकते हो, 450 को, तो सर 2.450 किलोग्राम या 2.450 किलोग्राम आपके पास में रिमेनिंग है उस रूबी के पास में, तो 2.45 किलोग्राम रिमेनिंग रहता है। कितना आसान क्वेश्चन, छोटा सा, देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था और आंसर देखो कितना छोटा सा है, ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, अरमान कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 89.050 किलोग्राम ऑन सैटरडे एंड 73.9 किलोमीटर ऑन संडे, हाउ मेनी मोर किलोमीटर डिड ही ड्रॉ ऑन सैटरडे। अरमान ने शनिवार को तो 89.5050 किलोमीटर और रविवार को 73.9 किलोमीटर की दूरी तय की, शनिवार को उसने कितने किलोमीटर अधिक दूरी तय की, कितने किलोमीटर अधिक दूरी तय की, कितने किलोमीटर अधिक दूरी तय की, देख लो। सर अगर सैटरडे की मैं बात करूं, सैटरडे की या शनिवार की, तो सर उसने 89.050 किलोमीटर उसने कवर किया, संडे को सर उसने कितना कवर किया 73.9, ज्यादा तो सर सैटरडे को किया था, तो कितना ज्यादा किया माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 0, 5, ये बनेगा आपके पास में 8, ये 10, ये 1 और ये आपके पास में 5 और ये कितना 1, तो 15.150, इतना किलोमीटर ज्यादा किया था, तो 15 पॉइंट ये आएगा, नहीं सर 15.15 ये कह सकते हो सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15.15, 15.15 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो 125 या 125 का कितना रहेगा सर 15.15, 15.15 इसका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है, केवल प्लस माइनस ही तो करने। 126, मोहन बोट ए बुक फॉर ₹115.55, He gave ₹200 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? मोहन ने 115.55 रुपए की एक किताब खरीदी, उसने दुकानदार को 200 रुपए दिए, उसने दुकानदार ने कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो सर 200 रुपीज तो उसने सर टोटल दिए 0-0 पैसे, ठीक है, उसने सर 115.55 रुपीज की बुक परचेज कर ली है, देख लो आएगा ये 10, ये 9, ये 10, ये 9 और ये 10, ये 9 और ये 10, तो 5, 4, 4, 8, तो 84.45 रुपीज सर उसको वापस दिए जाएंगे, 84.45 रुपीज उसको वापस रिटर्न किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 127, गोपाल कवर्ड 125.5 किलोमीटर बाय बस, 14.25 किलोमीटर बाय पोनी, पोनी क्या होती है टट्टू, ये शायद घोड़े को इस तरह का कोई होता होगा जानवर, एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, हमें नहीं ध्यान रखना ना हमें, क्योंकि हमें रिसर्च थोड़ी करनी है, हमें तो अपने क्वेश्चन करना है, कुछ भी लिखाओ, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑन फुट टू केदारनाथ, शायद केदारनाथ में आपने देखे होंगे, इसका मतलब वो होते हैं जो खच्चर जिसे कहते हैं ना, शायद वो हो सकते हैं ना खच्चर टट्टू, केदारनाथ उसी से चढ़ाई करते हैं। इफ ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, इफ ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर देन हाउ मच डिड ही वॉक,
गोपाल ने 125 किलोमीटर तो बस से तय की, 114.25 किलोमीटर टट्टू से, और बाकी की दूरी पैदल तय की। यदि उसने कुल 150 किलोमीटर की दूरी थी तो कितनी पैदल यात्रा की? कितना आसान क्वेश्चन है, पहले दोनों को प्लस कर लो कि दोनों को कितना कितना किया। सर 125.5 किलोमीटर तो यहाँ से करता है, और 14.25 तो यहाँ पर 0.0 कर सकते हो, है ना, ये किलोमीटर के लिए 3 डिजिट होने चाहिए। तो सर टोटल इतना डिस्टेंस तो वो कवर कर चुका, कितना कर चुका, 257.931, तो 139.750 तो कवर कर चुका है। ठीक है, टोटल कितना था सर, 150.000 किलोमीटर थे ना। अरे किलोमीटर के लिए मीटर के लिए 0.000 होने चाहिए ना, 3 डिजिट है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसलिए उसमें से सर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 139.750 कवर कर चुका है। तो रिमेनिंग कितना है, जीरो। ये देखो सर 4, इससे लेकर आओ 9, ये बनेगा 10, ये 9, ये बनेगा 10, तो यहाँ से 5201, तो सर 10.250, 10.250 किलोमीटर भी उसको और कवर करनी है। तो आप इसे ये भी कह सकते हो 10.25 किलोमीटर भी इसे कहा जा सकता है, 10.25 किलोमीटर भी इसे कहा जा सकता है। तो इतना डिस्टेंस अभी उसे और कवर करना है, जो वो कैसे याद कवर करेगा सर, पैदल चलकर या ऑन द फुट कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, टीना हैज 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ, इफ सी यूज्ड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर मेकिंग कर्टेन, कर्टेन यानी पर्दे होते हैं, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ। टीना के पास है 20 मीटर 5 सेमी कपड़ा है, यदि उसने पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेमी कपड़ा काट लिया है तो उसके पास शेष बचे कपड़े की लंबाई क्या होगी। देखो सर सबको कन्वर्ट कर लो, मुझे पता है कि मीटर और सेंटीमीटर में पॉइंट के डेसिमल के बाद में कितने डिजिट होते हैं, सर 2 डिजिट होते हैं। चलिए पहले को कवर करो, 20.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 5 है, 50 नहीं है, पहले बता रहा हूँ 5 है, तो 5 कैसे लिखा जाएगा, 0.5 लिखा जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का डिवाइड होगा, तो याद रखिएगा ये 0.05 आएगा, जल्दबाजी में 20.50 मत कर देना। ये जरूर 50 सेंटीमीटर है, तो इसे आप लिखोगे सर 4.50 लिखोगे, चलिए मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ। इसके पास में कितना सर 4.50, तो इसने यूज कर लिया है, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये आपके 5 रहेगा, ये 1, ये 10, ये 9 और ये 10, तो यहाँ से 5 और ये 5, तो सर 5.55 जो आपके पास में 5 पॉइंट और सॉरी ये 1 और रहेगा ना 15 वाला, इसका 2, तो 15.55 मीटर उसके पास में अभी कपड़ा और रहा हुआ है, 15.55, 15.55 मीटर कपड़ा उसके पास में रिमेनिंग है, 15.55। ऐसे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान से कीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, विनीता बोट ए बुक फॉर 18.90, ए पेन फॉर रुपीज 8.50 एंड सम पेपर्स फॉर रुपीज 5.50, इफ ही गेव 50 रुपीज टू द शॉपकीपर, हाउ मच बैलेंस डिड ही गेट बैक। विनीता ने एक किताब 18.90 रुपए की, 90 रुपए की, एक कलम 8.50 रुपए की और कुछ कागज 5.05 रुपए में खरीदे, उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, 50 रुपए दिए तो कितना बैलेंस उसे वापस मिलेगा। सर टोटल कितना परचेज हो गया, 18.90 रुपीज, तो यहां से 8.50 रुपीज का उसने पेन परचेज किया और 5.50 रुपए, 5.05, 5.05 रुपीज का सर उसने क्या किया, कुछ पेपर उसने परचेज कर लिया, तो टोटल कितना परचेज हो गया, 5, 9 और 5, 14, 1 कैरी रहेगा, 8 रेट 16, 16 1, 17, 17 और 5, 22, 2 आपका कैरी रहेगा, तो सर 32.45 रुपीज तो उसने टोटल परचेज कर लिया, तो उसके पास में रिमेनिंग कितना रहेगा, सर उसने 50 रुपीज का नोट दिया, तो यहाँ से 32.45 रुपीज माइनस कर दीजिए, यहाँ से करोगे तो सर 4, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9 और ये 10, तो यहाँ से 5, 5, 7 और 1, तो सर 17.55 रुपीज, उसे 17.55 रुपए सर उसे वापस दिए जाएंगे, 17.55 रुपीज सर उसे वापस रिटर्न किए जाएंगे, उसको जो वापस रिटर्न किए गए हैं वो कितने सर 17.55 रुपीज उसे वापस रिटर्न किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 130, 130 नंबर देखिए, तनुज वॉक्ड 8.62 किलोमीटर ऑन मंडे, 7.05 किलोमीटर ऑन ट्यूजडे, सम एंड सम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, इफ ही वॉक्स 21.01 किलोमीटर इन 3 डेज, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन वेडनेसडे। तनुज सोमवार को 8.62 किलोमीटर, मंगलवार को 7.05 किलोमीटर और बुधवार को कुछ दूरी तय चलता है, यदि वह 3 दिनों 21.01 किलोमीटर चलता है तो बुधवार को उसने कितनी दूरी तय की। देखो सर सबसे पहले मैं मंडे और ट्यूजडे का प्लस कर लेता हूं, मंडे का कितना चला सर 8.62 किलोमीटर, ठीक है 8.62 किलोमीटर, ट्यूजडे या मंगलवार को कितना किया सर 7.05 किलोमीटर, 05 किलोमीटर, वेडनेसडे का हमें पता नहीं है, तो टोटल कितना कवर कर चुका है वो सर 7, 6 और 8 और 7 हमारे पास में 15, तो सर 15 और 7, 15.67 किलोमीटर उसने कवर कर लिया है। टोटल डिस्टेंस उसे कितनी कवर करनी थी सर 21.01 किलोमीटर,
अब उसको उसने उसमें से 15.67 किलोमीटर तो कवर कर ली है, तो जो उसके बाद वेंजडे को या बुधवार को जो कवर करनी थी वो कितनी उसके पास में रिमेनिंग रहेगी। यहाँ से आप कर सकते हो कि वन है इसके पास में, इससे लेके आते हैं इसको जीरो बनेगा, ये 10, ये 9 और ये आपके पास में कितना बन जाएगा 11। यहाँ से अगर आप माइनस करते हो तो ये आपके पास में कितना बनेगा सर 4, यहाँ से 3 और ये बनेगा 1, ये 10 और ये 5, तो सर 5.34 किलोमीटर, 5.34 किलोमीटर सर उसे वेंजडे को कवर करनी है या बुधवार को तय करनी है, वेंजडे को कवर करनी है। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 130। आज की क्लास में हम 130 क्वेश्चंस तक करेंगे, 130 नंबर क्वेश्चंस पर आज की हमारी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, और जो हमारे पास में 24 क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है वो हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे आराम से, और इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रिवीजन अच्छे से करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, और जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करके आओ। थैंक यू।